राजधानी रायपुर की तेलेबांधा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 42 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत करीब 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर भिलाई में सप्लाई करता था, साथ ही उत्तर प्रदेश में भी इसकी तस्करी करता था। वहीं पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में NDPS की एक कार्रवाई हुई है, जिसमें स्विफ्ट डिजायर कार में जो गांजे का तस्कर है वो जा रहा था। उड़ीसा से गांजा लाना उसने बताया है और चित्रकूट लेकर के गांजे को जा रहा था। लगभग 42 किलो गांजा जब्ती हुआ है, उसकी कार इसमें जब्ती हुई है। और जो आरोपी है राकेश नागपुर है, सुपेला दुर्ग क्षेत्र का रहने वाला है और पहले भी कोंडागांव जिले से एक प्रकरण में जेल जा चुका है।